अरे बाराती आ गए। दीदी दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान आलीशान। टीएनसी अप्लाई। भारतीय जनता पार्टी शनिवार को 45वां स्थापना दिवस मना रही है। इस श्रृंखला में नागपुर शहर के तिलक पुतला स्थित भाजपा कार्यालय में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए के हस्ते ध्वजारोहण कर मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। देश में एक ओर लोकसभा चुनाव का माहौल है तो दूसरी ओर भाजपा अपने स्थापना दिवस पर बूथ चलो अभियान के साथ ही सभी बूथों पर स्थापना दिवस मना रही है। नागपुर शहर का मुख्य कार्यक्रम महल स्थित तिलक पुतला कार्यालय में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उपस्थित मान्यवरों के हस्ते ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक प्रवीण दटके, पूर्व विधायक अनिल सोले, शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े, जिला अध्यक्ष सुधाकर कोड़े, विधायक मोहन बते, पूर्व सांसद अजय संचेती, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भिंडे उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान कुछ पक्ष प्रवेश भी हुए और कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थापना दिवस की सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी, साथ ही बूथ चलो अभियान की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। आनंदाचा दिवस आहे, आपल्या पक्षाचा 44वा स्थापना दिवस आहे। आता बंटीने सांगितलं 6 एप्रिल 1980 ला अटलजींनी मुंबईच्या अरबी समुद्राच्या महासागराच्या साक्षीने भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली आणि काँग्रेसचं दुष्ट शासन या देशातून हद्दपार करण्याकरता इंदिरा गांधीने लावलेली आणीबाणी, बोलण्याचं व्यक्ती स्वातंत्र्य, जगण्याचं व्यक्ती स्वातंत्र्य अशा प्रकारचा केलेल्या देशामधल्या कारव्या थांबवण्याकरता आपला पक्ष हा मजबूत करावा आणि आपला पक्ष स्थापन करून या देशामध्ये रामराज्य यावं या भूमिकेतनं या ठोस उद्दिष्टाने ग्रासून माननीय अटलजींनी भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली। आपण थोडं मागे गेलो तर आपण बघितलं की अटलजींनी संपूर्ण देशभर पक्ष प्रतिष्ठापित केला। इसी के साथ ही नागपुर शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े ने भी अपने मनोगत व्यक्त किए। संघ के लोगों की दोहरी मानसिकता है, दोहरी सदस्यता इस देश के अंदर में जनता पार्टी में नहीं चलेंगी। एक तो जनता पार्टी में रहना होगा और नहीं तो संघ की शाखाओं में जाना होगा। तब भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हम शाखाओं में जाना पसंद करेंगे क्योंकि हम स्वयं सेवक है, लेकिन हम जनता पार्टी की इस कांग्रेस की दोहरी सदस्यता हम स्वीकार नहीं करेंगे। और 6 अप्रैल के दिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। छोटे अटल बिहारी वाजपेयी जी ये हमारे पहले अध्यक्ष बने और माननीय अटल जी ने मुंबई के समुन्द्र के किनारे में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होने के बाद में यह घोषणा की
कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अटल जी की भविष्यवाणी सिद्ध हुई है, संकल्प सिद्ध हुआ है, अनेक कार्यकर्ताओं का त्याग तपस्या सेवा बलिदान हुआ है। आज भी बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, आज भी हम जब बंगाल में भारत माता की जय कहते हैं तो बंगाल के लोग हमें मारते हैं। केरल में भी हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुआ है, अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने घरदार को उद्ध्वस्त किया, यानी कहा जाता है कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, और अपनी आग तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का हम ये स्थापना दिवस उसी जिन कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है, जिन कार्यकर्ताओं ने त्याग किया है, जिन कार्यकर्ताओं ने समर्पण किया है, जिन कार्यकर्ताओं के घरदार उद्ध्वस्त हुए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर उन सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करती है, विनम्रता से अभिवादन। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।